चल ठीक है, जो फिर करता हूँ मैं तुझसे बात, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक वीडियो है। वीडियो बनाओ, दाड़ो अपना लोगो लेकर, दाड़ो दाड़ने का टाइम है एकदम। हाँ, ये हर जगह छाएगा, लंदन, अमेरिका, हर जगह तू क्या देखियो। बात है यार, हाँ मैं तो एक चल। दिन में न्यूज़ में लुगा हुआ, देखो ये मैडी वाला हाँ यही है तो वो बंदा, मैं बोलूंगा ये जो वाला लोगो है, जो वाला, जो ये वाला मैं कहूंगा ये जो वाला लोगो है। हाँ भाई साहब, ग्रेट है ये, बहुत बढ़िया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई वेलकम यार, वेलकम हाँ एनीवेज एनी हाँ टाइम वेलकम सर। ठीक है, और मिलते हैं चलो जल्दी भाई, तुझसे। हाँ हाँ जरूर हाँ जरूर, चल ठीक है भाई, ओके फिर ठीक है मैडी, ओके जी, ओके बाय एंजॉय बाय नाइट, बाय। ओके बाय बाय। तो दोस्तों, ये जो लोगो है मेरे दोस्त ने बनाया है, उसका नाम है जो, जो चिकलिकल। और कितना सुंदर लोगो है, देखिए कि बुल और बियर दोनों एक दूसरे के अंदर है। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, कभी फुर्सत में समझाऊंगा। बाकी एक थैंक्स बोलने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया शुरू में, कि इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस लोगो की वजह से। तो दोस्तों, थैंक्स मैसेज हो गया। अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कि आप लोगों के कुछ खट्टे मीठे कमेंट आ रखे हैं, उसको पढ़ते हैं। ये पहला कमेंट है मोहम्मद अली का, साइड में आपको दिखाई देगा। ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बन सकता है, अगर बनता है तो ये बंदा खुद बनाता, ना कि लोगों को सिखाता। 10 लोगों के लाइक आ रखे हैं इस पे भाई, और ये 10 लोगों की कैटेगरी बता देता हूँ, ये कौन सी कैटेगरी है। ये 10 लोग वो हैं जो जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है या नहीं बनता है। अगर ये देखना है पैसा बनता है कि नहीं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फिर बताओ मुझे बनता है या नहीं बनता। और दूसरा, जो आपने बोला कि ये खुद पैसा बनाता, मैं खुद ही पैसा बना रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट मेरा ही है और उसी का ही मैं लाइव ट्रेड आप लोगों को दिखाता हूँ। आपका इसमें एक क्वेश्चन ये और है कि ये लोगों को सिखा, खुद ट्रेड करता ना कि लोगों को सिखाता। अब इसमें ना एक चीज़ और जोड़ दो तुम, कि मैं टिप्स नहीं देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। और इसका जवाब तुम्हें एक दिन दूंगा मोहम्मद अली साहब, ये मैसेज आप जरा सेव कर लो, जिस दिन डिप्रेशन हो जाए तुम्हें, अगर तुम शादीशुदा हो, बीवी से झगड़ा चल रहा होगा, गारंटी है। ये 10 लोग जो है ना, ये वही लोग हैं, उनकी कैटेगरी बता देता हूँ। ये अपने घर वालों से लड़ने वाले हैं, इनके लॉसेज ज़्यादा चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, अब उस बिल को भरने के लिए मिनिमम अमाउंट पे करे जा रहे हैं, पूरा नहीं भरा जा रहा इनसे। लोन है, लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, गाड़ी बेच दी है, घर बेच दिया, गहने बेच दिए हैं, सब कुछ बेच दिया है। आस पड़ोस, भाई बंधु सबसे पैसा लेके तुम ट्रेडिंग में उतरे हुए हो, और तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मैं ट्रेड, मतलब खुद ट्रेड करता और लोगों को नहीं सिखाता। भाई साहब, मेरा सिखाने का जो कारण है, वो तुम लोगों को एक दिन मालूम चल जाएगा, जिस दिन तुम डिप्रेशन में आओगे, उस दिन आना मेरे पास, फिर बताऊंगा मैं कि क्यों सिखाता हूँ तुम्हें। टिप्स नहीं देता हूँ, सिर्फ सिखाने की बात करता हूँ। ये मार्केट इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, तुम्हें डुबा देगी मेरे भाइयों। तो मोहम्मद अली साहब, आज नहीं तो कल आप ज़रूर आओगे, और ये मैसेज को सेव कर लेना, फिर बताऊंगा कि मैं सिखाता क्यों। दूसरा मैसेज देखते हैं, लाइव मार्केट में दिखाओ, धीरज जायसवाल। लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ भाई, अब आपको स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ, मेरा नाम उसमें दिखाई देता है, ट्रेड दिखाई देती है, ट्रेड का टाइम दिखाई देता है, तो आप लाइव देख लो उसको। अगला मैसेज आ गया, जैसा फीस लेते हो वैसा काम तो दिखाओ, एक लोट में क्या होता है, अगर हिम्मत है तो 5-10 लोट में करके दिखाओ। आप तो बोलते हो ना मैं ही गोल्ड सिल्वर चलाता हूँ, फेकू नंबर वन। 22 लाइक आए भाई इसके ही कमेंट पे। अब क्या तुम लोगों को जवाब दूँ भाई, एक गाना याद आ गया, 2 लाइनें, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पहले तुमने कहा लाइव ट्रेड दिखाओ, लाइव ट्रेड दिखा दी,
लाइव ट्रेड दिखाई तो तुम लोग कह रहे हो कि एक लॉट में क्या होता है। अब एक लॉट छोड़ो, मेरा तुम लास्ट स्क्रीनशॉट देखना, 18 लॉट मैंने क्रूड ऑयल के लगाए थे, 1,75,000 रुपये उसमें टोटल प्रॉफिट आया है, 18 लॉट है। तुम 5-10 लॉट की बात कर रहे हो, और लॉट की बात छोड़ दो मेरे भाई, ये तो मैं जो दिखाया टेलीग्राम पे ये कुछ नहीं है। एक बोल पे कितने लॉट पड़ते हैं मेरे, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। सारी चीज़ें तो टेलीग्राम पर मैं डाल नहीं सकता, तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हारा काम तो कहने का ही है, क्या करें। चलो 22 लोगों को जो इन्होंने लाइक किया है, तुम्हें जवाब मिल गया होगा, टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना। और सबसे बड़ी बात, क्रूड ऑयल में 10 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था और बोला था कि 80 नहीं तोड़ पाएगा, चेक कर लेना टेलीग्राम चैनल मेरा, ठीक है जी। अगला मैसेज है आशिक खान साहब बोलते हैं, सर मैं भी 3 महीने से पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ आपसे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा सर, मेरा पैसों का इंतजाम जल्द हो जाए। आशिक साहब दुआ करेंगे आपके लिए कि आपके पैसों का इंतजाम हो जाए। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहले भी आए हैं कि बहुत सारे लोग पैसों का इंतजाम कर रहे हैं मुझसे सीखने के लिए। एक सीक्रेट बताता हूँ, करके देखो शायद कुछ अच्छा हो जाए। मैं क्या करता हूँ, देखो प्रॉब्लम सबके साथ आती है, आपके साथ है, मेरे साथ भी है, और ये चलती रहेगी जब तक लाइफ है, ये सब होता ही रहेगा। आप इंतजाम कर रहे हो, परेशानियाँ आ रही होंगी, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही होंगी, मेरे साथ भी है, मेरे साथ कुछ दूसरी रुकावट है। ये देखिए मेरा एक तरीका है, इस तरीके से आप लोग काम करोगे तो शायद कुछ हो जाए। ये देखो, इसमें लिखा हुआ सबसे ऊपर अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है आई एम द क्रिएटर। तू चाहे तुझा जीव नाचा शिल्पकार, तुम ही अपने जीवन के रचयिता हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मतलब क्या है कि जो हम चाहते हैं, जो हमने सोचा है, वो हम कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अपने आप को समझना पड़ेगा। ये सबके लिए है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं और आगे कुछ करना चाह रहे हैं, मेरे से कोर्स करना चाह रहे हैं, सबके लिए ये मैसेज है। इसके बाद अच्छा, खुद को समझने के लिए क्या करोगे आप, आपको क्या करना है। इसमें मैंने लिखा आई वॉन्ट माई पर्सनैलिटी बैक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले खुद को स्वस्थ करो। सुबह योगा करो, पार्क में जाओ, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, जो फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर है ना, एक तो वो निकल जाएगी। और उससे क्या होता है कि देखो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। जब तक तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं होगी तो मन में वो अच्छे विचार आएंगे नहीं। तुम पड़े हुए हो, मोटे हो गए हो, पेट बाहर आ गया है, मेरा भी बाहर आ गया थोड़ा सा, अभी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जब तुम फिट हो जाओगे तो मन में विचार भी अच्छे आएंगे। तो घर से बाहर निकलो, एक जगह एक रूम में मत पड़े रहा करो, ठीक है। और उसके बाद एक तरीका है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने क्या किया कि जैसे आप लोग इंतजाम कर रहे हो, पैसे का इंतजाम कर रहे हो, किसी से मांग रहे होंगे, कहीं ना कहीं से अरेंज कर रहे होंगे, आपने लोन अप्लाई किया होगा, तो आप एक काम करो, उसको ना लिख दो। मैं बोलता हूँ ये वर्क करता है, आप लिखो कि कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिख दो और लिखते चलो। जैसे मैंने लिखा ना इसमें कि मेरा ये गोल है बेंगलोर, और फिर उसके बाद में दुबई, सिंगापुर, UK, US, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लिखा है मैंने कि मुझे ये अचीव करना है। देखो जब आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि आगे से आगे विचार आएंगे, उन विचारों को लिखते चलो। मेरे मन में विचार आया, मैंने बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से अपना काम स्टार्ट करना है, फिर दुबई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, UK, US, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह मैंने अपना काम का जो काम को बढ़ाना है, अपना MCX लाइव रिसर्च को सेट करना है। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने लिख दिया। आप भी ऐसे लिखो, रुकावटें हर जगह आएंगी भाई, संघर्ष तो करना पड़ेगा, दिक्कत आती है हर जगह।
एक छोटी सी घटना बता देता हूँ, अभी कोरिलेट करने की कोशिश करना। मैं 20 दिन बेंगलोर में रहा हूँ और आप यकीन करना कि जो मुझे सपोर्ट करने वाले थे, सबसे बड़े सपोर्टर थे, मैं जिनको मानता था, मेरे पिलर थे, भाई अगर पिलर ही टूट जाएगा तो इमारत तो खड़ी रह ही नहीं सकती। वो इमारत, वो जो सपने जो सोचे थे कि बेंगलोर से अपना सेटअप चलाएंगे और फिर यहाँ से आगे की तरफ रवानगी होगी, तो सब सपने ने सब चकनाचूर हो गए थे एकदम। लेकिन क्या इससे हार थोड़ा ही मान जाएंगे? हार नहीं मान सकते भाई। उन्होंने जब वो आए थे दिल्ली, मैंने उन्हीं के सामने लिखा था ये सब। फिर उन्होंने ना यहाँ पर देखो ये चीज़ लिखी, दिखाई दे रहा, सब हो जाएगा। तो जब आप बस ये लाइन है, ये तीन शब्द है ना, मैं आपको लोगों को, उन्होंने मुझे बोला, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, कोशिश करते रहो, संघर्ष करते रहो। दिक्कतें हर किसी के साथ आती है, मेरे साथ भी आती है, और हो सकता है कि आप लोग, आप जिससे पैसा अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो आपका फ़ोन ना उठाए, आपसे बात ना करे। मेरे साथ भी यही हुआ, वहाँ मैं गया, बात नहीं हो पाई उन लोगों से, हो सकता है उनकी कोई परेशानी हो, कुछ भी हो सकता है। इवन आपको बताऊं कि मेरा टेलीग्राम चैनल उन्होंने छोड़ दिया, उससे एग्ज़िट कर गए, मुझे ब्लॉक किया हुआ है, कोई तरीका नहीं उनसे बात करने का। सॉरी मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि परेशानियाँ हर किसी के साथ है। आपको आप लोग करना चाहते हो, आप लोग पैसे के लिए भाग रहे हो, मैं नाम के लिए भाग रहा हूँ। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल है, मेरे में है, दिक्कतें आएंगी, मेरे साथ आ रही है, आपके साथ भी आ रही है, लेकिन इससे हारना नहीं है, हारो मत। हर समस्याओं का एक समाधान होता है और समाधान एक ही जगह मिलेगा। आप अपने अल्लाह को मानते हैं तो वहाँ जाओ, चादर चढ़ाओ, जो भी आप लोगों के जो भी तरीके उनसे करो, मनाओ उनको। मेरे ऊपर जब दिक्कत आई, ये सारी समस्या आई, तो मैं सीधा मैसूर चला गया, जो मेरी ईस्ट है, उनके दर्शन के लिए। और यकीन करना, जैसे ही वहाँ गया, मतलब वहाँ जाके इतनी शांति मिली और एक वो रास्ता दिखाई दिया, जो मन में इतना तूफान मचा हुआ था, सब शांत हो गया। मोरल यही है कि अपनी समस्याओं का निदान जो आप खुद करोगे, सबसे पहले अपने आप को, अपनी हेल्थ को ठीक करो और उस भगवान का नाम लो, वही रोना है ना, उसके आगे जाके रो। तुम लोग मुझे फ़ोन कर देते हो, अपनी समस्याएं बताते हो, मुझे मत बताओ, अपने अल्लाह को बताओ, अपने भगवान को बताओ, वही एक माध्यम निकाल के देगा। और फिर आ जाओ, संघर्ष करो, पहुंच जाओ एक बार मेरे पास। मैं आप लोगों को ना फ्री में भी सिखा सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फ्री की चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को पढ़ाया भी है और उनको पैसे भी लगाए उनके ऊपर, लेकिन आज तक पलट के कभी किसी का थैंक्स का मैसेज नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी विद्या को ऐसे नहीं जाने दूंगा, इसकी ये कीमत है, वो तो देनी पड़ेगी। संघर्ष करो, आ जाओ, उसके बाद मैं साथ में हूँ, मैं फिर पीछे नहीं हटूँगा। और दूसरा ये कि जो अभी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं जितने लोग, उनके लिए मैं ये करूँगा कि एक मंथ का सपोर्ट मैं दूंगा। मैंने अभी एक अपनी रिसर्च टीम बनाई है, वो रिसर्च टीम आपको गाइड करती रहेगी कि हर एक कमोडिटी के बारे में बताती रहेगी, ये किस तरफ रहेगी, प्लस में रहेगी, माइनस में रहेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को बताती रहेगी। आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। और कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले आप लोगों की जो फीस है उसको मैं रिकवर करा दूँ अपनी रिसर्च टीम के थ्रू। और बस यही एक मैसेज देना था, और कुछ ये ऐसे खट्टे मीठे मैसेज तो आते ही रहेंगे और लोग तो बोलते ही रहेंगे। बाकी ठीक है, ऐसे आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, मैं बीच बीच में वीडियोस बनाता रहूँगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल वीडियोस बनाऊं,
बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार आप लोग ही सजेस्ट करो कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर बनाऊं, क्योंकि मेरे पास तो क्या है कि मैं जब भी आता हूँ अपने मन की बात ऐसी बोलता रहता हूँ जो मन में आता है, कोई मेरे पास टॉपिक नहीं रहता बोलने के लिए। आप लोग बताओ, मैं वैसी वीडियोस बना दूँगा। और सेमिनार मेरा अभी ये एक मैसेज इनके लिए है जो मेरे जो मुझसे सपोर्ट मांग रहे थे। क्या है ना कि 9 से 12 अप्रैल मेरा एक सेमिनार है, उसको देने के बाद फिर नवरात्रे लग जाएंगे। नवरात्रे संपूर्ण करने के बाद में फिर मैं आप लोगों के लिए एक सेमिनार रखूँगा और सब लोग मिलते हैं एक बार फिर से, कोई समस्या है उसका निदान मिलेगा पक्का। जो बैच नंबर 10-11, ये दो बैच मेरे सबसे बड़े थे। मेरा मोबाइल आप लोगों को पता है कि चुरा लिया था, तो कॉन्टैक्ट मेरे पास किसी का भी नहीं है। आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि तुम किसी एक को चुन लो और उसके पास अपने नाम लिखवा दो, वो बंदा मुझे तुम सबके नाम दे देगा, नंबर दे देगा, और जो आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलना पड़ा तो मिल भी लेंगे, एक दिल्ली में सेमिनार रख लेंगे। बैच नंबर 10 और 11 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? पहले ये दो बैच को निपटा दूँ क्योंकि इसी में ही कम से कम 150 के करीब लोग थे। तो ठीक है, आप लोग मुझे बता देना जैसा भी है, जो भी प्रॉब्लम है करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। बस ये अप्रैल निकलने दो, मई में फिर बैठ जाएंगे दोबारा से, कुछ काम निपटाने, वो काम निपटा देंगे। एक आधी FIR करानी है, वो करा के फिर उसके बाद करेंगे काम, ठीक है? थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सपोर्ट आप लोगों ने किया है मुझे। और जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे आप लोगों से।